क्या भी समर वेकेशन के लिए कोई ठंडी जगह जाने की सोच रहे हैं तो देहरादून आपके लिए क्यों बेस्ट है ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप भी समर वेकेशन के लिए देहरादून आना चाहते हैं तो इन जगहों पर जाना बिल्कुल मिस ना करें। ये ऐसी जगहें हैं जहां पर पर्यटक दूर दूर से आकर आनंद उठाते हैं, तो फिर आप कभी भी देहरादून आए तो इन खास जगहों को देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला है मसूरी। अगर आप देहरादून में घूमने की सोच रहे हैं तो देहरादून के फेमस स्टेशन मसूरी में आना तो बनता है। चिलचिलाती गर्मी के बीच पहाड़ों की रानी मसूरी में आपको बहुत आनंद मिलेगा। यहाँ ना सिर्फ सुंदर पहाड़ों का दृश्य है बल्कि प्रगति की गोद में बसे मसूरी के पास कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आप भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे धनौल्टी, लाल टिब्बा, कैंपटी फॉल आदि। इसके अलावा दूसरी जगह है मालदेवता। प्रकृति के गोद में बसा मालदेवता का दृश्य देखते ही बनता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता सैलानियों का मन मोह लेती है। कहते हैं कि देहरादून आए और मालदेवता का विजिट नहीं किया तो आपने कुछ जरूर मिस किया है। मालदेवता में पहाड़ों से गिरने वाले छोटे छोटे झरने टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें वहाँ वक्त गुजारने पर मजबूर भी कर देते हैं। तीसरी जगह है आसन बैराज। देहरादून से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आसन बैराज साइबेरियन बर्ड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ साइबेरियन बर्ड्स को स्पॉट किया जाता है। इन विदेशी मेहमानों को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट आसन बैराज का रुख करते हैं। आप यहाँ कई प्रकार के विदेशी पक्षियों को देख भी सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर और फरवरी से मार्च तक का महीना काफी अच्छा रहता है। यहाँ पक्षियाँ आपको काफी ज्यादा दिख जाएंगी इस समय पर। चौथी जगह है बुद्धा टेम्पल। राजधानी दून की आईएसबीटी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही तिब्बती समुदाय का यह धार्मिक स्थल है, जिसे बुद्धा मॉनेस्ट्री या फिर बुद्धा गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बतियंस द्वारा मंदिर की स्थापना 1965 में की गई थी। मंदिर का अद्भुत दृश्य टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जानकारों की माने तो मंदिर को गोल्डन कलर देने के लिए 50 कलाकारों को 3 साल का लंबा वक्त लगा था। आप यहां आकर सुंदर तस्वीरें तो खींच ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही यहां की शांति का भी मजा उठा सकते हैं। पांचवी जगह है एफआरआई। देहरादून क्लॉक टावर से महज 7 किलोमीटर की दूरी स्टेज का एकमात्र सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट स्थित है। 450 हेक्टेयर में फैले एफआरआई में कुल 7 म्यूजियम है। वैसे तो एफआरआई का बॉलीवुड कनेक्शन भी काफी कसब का है। कई बड़े फिल्म निर्माता एफआरआई कैंपस में फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शन की स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो या फिर पान सिंह तोमर जैसी बड़ी फिल्में एफआरआई में काफी बार शूट हुई है। छठी जगह है घुटचुक पानी या फिर रॉबर्स केव। देहरादून से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रॉबर्स गुफा एक प्राचीन अद्भुत गुफा है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 600 मीटर लंबी नदी की गुफा को यहाँ के स्थानीय लोग गुच्चू पानी कहते हैं। इसके साथ ही दून सिटी के कैंट एरिया से कुछ ही दूरी पर पहाड़ों के बीच बसा एक प्राकृतिक स्पॉट भी है ये, जहाँ गर्मियों के मौसम में सैकड़ों की संख्या में सैलानी पिकनिक मनाने आते हैं। पहाड़ों के बीच बसे इस गुफा के बीच से गिरता झरनों का पानी सैलानियों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कहते हैं कि स्थान का उपयोग ब्रिटिश राज्य के दौरान लुटेरे छुपने के लिए किया करते थे। सातवीं जगह है मालसी डियर पार्क। देहरादून मसूरी मार्ग पर मालसी डियर पार्क स्थित है। मालसी डियर पार्क को मिनी जू के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पार्क में मौजूद जानवर जैसे हिरन, चीतल, मोर, तेंदुआ और भी कई कई ऐसे जानवरों की प्रजातियां हैं जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। पार्क में पिकनिक मनाने के लिए भी काफ़ी अच्छा माहौल है और स्पेस भी काफ़ी है, जिसमें आप विद फैमिली अपनी वेकेशन को आराम से इंजॉय कर सकते हैं। आठवीं जगह है सहस्त्रधारा। प्रकृति की गोद में बसा सहस्त्रधारा भी काफ़ी ज़्यादा अनूठा है। कोई सैलानी यहाँ पिकनिक सेलिब्रेट करने आता है तो कोई प्रकृति के नज़ारों का आनंद उठाने। वैसे सहस्त्रधारा में एक तरफ जहाँ छोटे छोटे झरने, पहाड़ के ऊपर मौजूद मंदिर, तो दूसरी तरफ बुद्धा मॉनेस्ट्री टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा लुभाती है। सहस्त्रधारा वैसे तो सल्फर वाटर के लिए फेमस है। कहा जाता है कि सल्फर वाटर में नहाने से स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ होती है वो दूर हो जाती है। नौवीं जगह है टपकेश्वर मंदिर। टपकेश्वर महादेव मंदिर एक लोकप्रिय गुफा मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये देहरादून शहर के बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तमसा नदी के तट पर बसा ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा विख्यात है।
मंदिर गुफा में एक शिवलिंग है और गुफा की छत से पानी टपकता रहता है जो कि सीधे शिवलिंग पर जाके गिरता है। मंदिर के चारों ओर सल्फर वाटर का झरना गिरता है। जैसे मैंने आपको बताया, सल्फर वाटर स्किन से रिलेटेड बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। हिंदू त्यौहार शिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का शुभ विवाह हुआ था, तो उसका समारोह भी यहाँ आयोजित किया जाता है। दसवीं जगह है राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क देहरादून से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पार्क 1966 में स्थापित किया गया था। राजा जी पार्क 830 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अपनी शानदार पारिस्थितिकी तंत्र के कारण पार्क लोगों को खासा प्रभावित करता है। राजा जी मोतीचूर और चिल्ला रेन से घिरा हुआ है, जिस कारण यहाँ की प्राकृतिक छटा बरसभर ही लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। 1983 में इन तीनों पार्कों को मिलाकर एक कर दिया गया था, जिसके बाद से राजा जी नेशनल पार्क का नाम रखा गया। यह पार्क हाथी की आबादी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, देहरादून अगर आप विजिट कर रहे हैं तो इन जगहों पर ज़रूर आपको घूमना चाहिए, क्योंकि अगर आप घूमने की बात कर रहे हैं, समर वेकेशन की बात कर रहे हैं और इन जगहों पर नहीं गए, तो देहरादून में शायद आपको उतना मज़ा नहीं आ पाएगा। ऐसी ही और वीडियो आप तक पहुँचाएंगे, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आप इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।